हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सिक्स वेरिएबल के मैप सॉल्व करने का, मैं आपको एक और अल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा जो कि कन्वेंशनल मेथड से कम टाइम टेकिंग होगा और उससे आप ज़्यादा इजी ढंग से छह वेरिएबल का बुलियन फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ये बुलियन फंक्शन दिया हुआ है छह वेरिएबल का, f1 इज द फंक्शन और वेरिएबल है उसके a b c d e f। ये छह वेरिएबल का बुलियन फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये मिनटर्म्स की फॉर्म में, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पहले आपको एक 8x8 की टेबल बनानी होगी, या ये आप कह लीजिए के मैप बनाना होगा, ठीक है। या इस चीज को आप दूसरे ढंग से ये समझ सकते हैं, जैसे अभी तक आपने 4 वेरिएबल के मैप बनाया हुआ था, फिर 5 वेरिएबल में आपने 4 वेरिएबल वाले दो के मैप बनाए, फिर 6 वेरिएबल में, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में था, आपने 4 वेरिएबल वाले चार के मैप बनाए। यहां पे आपको क्या करना है कि वही चीज है, लेकिन आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि आपने 8x8 का एक के मैप बना लिया। देखिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, रोज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले आप ये 8x8 का एक के मैप बना लेंगे। अब उसके बाद देखिए, इसमें कई चीजें आती हैं, अगर मैं सारी चीजें इसी वीडियो में आपको बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अल्टीमेटली आप इसको छोड़ देंगे। इस वीडियो में पहले इससे आप कैसे इस बुलियन फंक्शन को सॉल्व करेंगे वो आप देखिए, उसके बाद अभी जो मैं लिखूंगा कि इसमें मिन टर्म्स कैसे भरते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। आज पहले ये जरूरी है कि आपको ये विश्वास हो जाए कि छह वेरिएबल का के मैप भी एक 8x8 के मैप से, सॉरी, छह वेरिएबल का बुलियन फंक्शन भी एक 8x8 के मैप से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा ए बी सी डी ई एफ, ये छह वेरिएबल है, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। हमने यहां पे लिख दिया इस साइड ए बी सी और इधर की कॉलम शो करेंगे डी ई एफ, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब इसमें कॉलम्स में जैसे हम लोग 0 0 0 1 1 0 इस तरह लिखते थे, वो किस तरह लिखना है। तो देखिए, अब जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इसी वीडियो में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी तक हम लोग कैसे लिखते थे भाई, मान लीजिए कि सपोज कीजिए आप इसको ये लेके चलिए कि ये 4x4 के चार के मैप है। देखिए, मैं अलग कर दे रहा हूं इसीलिए इसको, मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया 4x4 का के मैप हो गया ये। अब इसमें आप वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे देंगे, तो जैसे आप लोग नॉर्मली देते आए हैं, आप क्या कीजिए कि जैसे अभी आप लोग कैसे लिखते आए हैं, आप इस तरह लिखते आए हैं भाई, आपने यहां पे लिखा 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक। इधर भी आप लिखते थे 0 0 0 1 1 1 0, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, नाउ सिमिलरली फॉर दिस दिस के मैप यू मे ऑल्सो राइट इन ए सिमिलर फैशन, बट आपको एक चीज ये ध्यान रखनी होगी कि देखिए यहां पे आपने कैसे लिखते हैं, जैसे आप 4 वेरिएबल के मैप में लिखते आए हैं
जीरो 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 वन 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 जीरो। अब यहां पे आप कहेंगे जीरो 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 वन ऐसे लिख दे, नहीं, यहां पे क्या इसके में आपको क्या करना है, ये चीज आपकी यहां पहुंचेगी, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए जीरो 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 वन 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 जीरो। अभी आया आपको समझ में? सिमिलरली जैसे यहां पे आपने लिखा है जीरो 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 वन 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 जीरो, ऐसे ही यहां से जीरो जीरो नहीं, ये पहुंचेगा यहां पे। और वैसे भी देखिए ये जो एंट्रीज करनी है आपको, या अभी मैं अंदर मिनटर्म्स की एंट्री करूंगा, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में कई बार रिपीट करके आपको क्लियर कर दूंगा, आपको उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले आप 8x8 के केमैप से कैसे इस बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको पूरा कर लीजिए, ये यहां पे हो जाएगा जीरो 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 वन 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 जीरो, ठीक। ये तो दो वेरिएबल कवर हो गए। अब जैसे इस डी के लिए यहां पे तीन वेरिएबल है, ई और एफ तो ये आपने कवर कर दिए। इस डी के लिए या तीसरे वेरिएबल के लिए आप क्या कीजिए, पहले इन चारों में आपने सब में जीरो दे दिया, ठीक है, फिर इसके मैप में आपने सब में वन दे दिया, इस तरह हो गया। यही चीज यहां पे करिए, यहां पे बी सी तो कवर हो गया इससे, ठीक है। ए वेरिएबल के लिए आपने इसके मैप में आपने जीरो दे दिया, ठीक, और इसके मैप में ए वेरिएबल के लिए आपने वन दे दिया। तो इस तरह आपने ये वेरिएबल्स को वैल्यू अलॉट कर दी। अब उसके बाद बात आती है कि मिनटर्म्स कैसे लिखेंगे। अब देखिए मिनटर्म्स कैसे लिखेंगे, ये अगर अभी आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि सर ये मेथड बेकार है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मिनटर्म्स की एंट्री करने के लिए मैं एक और अलग से लेक्चर बनाऊंगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है, उसमें केवल मैं आपको बताऊंगा कि मिनटर्म्स की एंट्री करने के कौन कौन से आसान तरीके हैं, उसको एक मेथड से फिर दूसरे मेथड से फिर तीसरे मेथड से वो एंट्री करनी मैं आपको बता दूंगा, तो आपको फिर कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। अभी आप इसमें क्या कीजिए, अभी आप इसमें मिनटर्म की एंट्री आप कर लीजिए, ताकि फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो देखिए इसमें मिनटर्म की जो एंट्री होगी जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स एट नाइन इलेवन टेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। फिर आप एक रो छोड़ दीजिए, सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी
31। इसी तरह अब 32, अब 32 यहां से नहीं, 32 यहां से लिखेंगे आप 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, फिर 48, तो यहां पे नहीं, एक छोड़ के 48, 49, 50, 51। उसके बाद ऐसे ही और बाकी डिवीजन में भी आप मिन टर्म्स फिल करेंगे, तो 51 हो गया आपका। उसके बाद यहां पे आप एंट्री करेंगे 52, 53, 54, 55, फिर 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। तो इस तरह तो मिन टर्म्स की एंट्री आप कर देंगे 8x8 के मैथ में। इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होगा, होने की जरूरत है। मिन टर्म्स की एंट्री कैसे करनी है उसके कई शॉर्टकट मेथड है, कई इजीली लर्निंग मेथड है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सेपरेट एक वीडियो ही बना दूंगा कि 8x8 के मैथ में मिन टर्म्स की एंट्री किस तरह करते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अभी आज की जो वीडियो है इसका ऑब्जेक्टिव है 6 वेरिएबल के बूलियन फंक्शन को सॉल्व करना। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप जो मिन टर्म्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उनकी आप मार्किंग शुरू कीजिए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 30, 31, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 46, 47, 42, 43, 46, 47, 58, 59, 62, 63, 58, 59, 62, 63। अब इस तरह क्या किया आपने, जितने भी मिन टर्म्स हैं उन सबकी आपने अपने के मैप में एंट्री कर ली। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं। देखिए ग्रुपिंग के लिए आप क्या करेंगे कि आपको 1x1 देखना पड़ेगा। तो पहले आप क्या कीजिए कि पहले आप केवल इस के मैप की बात कीजिए, ठीक, फिर इस के मैप की बात कीजिए, फिर इस के मैप की बात कीजिए, और फिर इसकी बात कीजिए, ठीक है।
तो पहले मान लीजिए कि आपके पास केवल ये के मैप सॉल्व करना है आपको, तो केवल अगर ये के मैप सॉल्व करना है तो आपको एक चार का क्वाड ये दिख रहा है, ठीक है, एक चार का क्वाड ये दिख रहा है, ठीक है। तो एक क्वाड आपका ये हो गया चार का, और एक ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर केवल हमारी ये प्रॉब्लम होती, केवल फोर वेरिएबल का के मैप होता, केवल ये होता, तो हम आराम से ये चार और ये चार आठ का बना देते और हिसाब से हम टर्म लिख देते। लेकिन अब इसको करने के बाद आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक, आप क्या कीजिए, आप इसके अबाउट इसको फोल्ड कीजिए। कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको, नहीं समझ में आ रहा मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। आप इसको मान के चलिए कि हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, ये के मैप इसके ऊपर आ गया, ये के मैप इसके ऊपर आ गया, ठीक। अब आपको इस तरह जब आप इसको फोल्ड कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि ये जो चार है तो वो यहां पे किसी के साथ ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, तो यहां पे कोई वन नहीं है, ठीक है। ये जो चार है ये यहां पे किसी के साथ ओवरलैप कर रहा है, नहीं है। तो जब आप ये इस तरह आप इसको फोल्ड करेंगे पहली फोल्डिंग, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चार चार आठ का ऑक्टेट ही रहा, ठीक। अब यही काम आप, जैसे अगर आप इसको से फॉर एग्जाम्पल अबाउट वाई एक्सिस मानेंगे, तो यही काम आपको फोल्डिंग वाला अबाउट एक्स एक्सिस करना है इस तरह, ठीक है। और आपने इसको इस तरह, सॉरी आप ऐसे मानिए, ये इस तरह लिया आपने, और अब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला के मैप इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये वाला के मैप इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। इधर से हमें मतलब नहीं है, अभी हम केवल इसको देख रहे हैं। तो जब आप इसके अबाउट फोल्ड करेंगे तो क्या होगा कि देखिए, अब स्केल हटा दे रहा हूं मैं, जब आप इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर रहे हैं तो यहां पे कोई वन ऐसा नहीं है जो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक। सिमिलरली यहां कोई वन ऐसा नहीं है जो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, यानी हमने दोनों फोल्डिंग चेक कर ली, अबाउट वाई एक्सिस भी, अबाउट एक्स एक्सिस भी। तो ये ऑक्टेट ऑक्टेट ही रहा, कोई और नया वन या ग्रुप या पेयर इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। तो यानी फाइनली ये हमारा एक टर्म फाइनल हो गई इस ऑक्टेट से। तो आप इसको मान लीजिए, आपने इसको आपने समझने के लिए लिख दिया, ये हमारी, इससे हमारी टर्म वन आ जाएगी, ठीक। अब आप आ जाइए दूसरे के मैप पे, अब आपको इजिली समझ में आ जाएगा। दूसरे के मैप में आप बात करेंगे तो पहले आप देखिए, केवल इस के मैप के अंदर बात कीजिए, तो भाई एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहां पे भी एक ऑक्टेट बन रहा है, हमने बना दिया, ठीक बन गया। अब उसके बाद वही फोल्डिंग अबाउट वाई एक्सिस एंड देन अबाउट एक्स एक्सिस। तो जब अबाउट वाई एक्सिस के आप फोल्ड करेंगे दोबारा से ऐसे, या आप ये मान लीजिए इसके अबाउट ऐसे, तो ये जो ऑक्टेट है ये आके यहां पे ओवरलैप करेगा। यहां पे कोई वन ऐसा नहीं है जो इसके साथ पेयर या क्वाड हो रहा हो या ऑक्टेट हो रहा हो, ठीक है। तो अगर ऐसा अगर होता तो फिर वो नया टर्म क्रिएट होता, नहीं है तो अच्छा, ये तो हमने चेक कर लिया अबाउट वाई एक्सिस। अब यही चीज अबाउट एक्स एक्सिस के आप फोल्ड कीजिए। तो जैसे मान लीजिए आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए, एक ही बात है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। आपने मान लीजिए आपने यू फोल्ड किया ऊपर से ऐसे,
तो ये ऑक्टेट आया यहां पे, समझ रहे हैं आप, ये ऑक्टेट आपका पलट के आएगा यहां पे, ठीक। तो अब आप बोलोगे कि सर ये आठ और ये चार तो ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ, तो आठ चार ओवरलैप कर रहे हैं तो आठ चार बारह का तो नहीं बनता है ना, पहली चीज। दूसरी चीज कि अभी इसको नहीं, हमने कहा कि वन बाय वन के, पहला के में आप सॉल्व कर चुके, अब इसमें हम देख रहे हैं जब आप इसको ओवरलैप कर रहे हैं तो आप बोलोगे सर ये चार जुड़ जा रहे हैं इससे। हाँ बात ठीक है, जुड़ जा रहे हैं, लेकिन आठ और चार बारह का तो नहीं बनता है ना के मैप में ग्रुपिंग, दो चार आठ सोलह बत्तीस चौसठ इस तरह होता है ना, ठीक है। तो क्या होगा, तो यानी कि ये ऑक्टेट और कुछ नहीं, ऑक्टेट से बढ़ नहीं रहा, आठ का सोलह कहीं से नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपकी हो गई टर्म नंबर टू। इट विल गिव यू टर्म नंबर टू, ठीक। अब आ जाइए इस पे तीसरे के मैप पे, तीसरे के मैप पे आप बात करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे एक क्वाड बन रहा है, ये ठीक है, हमने ये क्वाड बना दिया। अब फिर वही चीज कीजिए, पहले अबाउट वाई एक्सिस फोल्ड किया, अबाउट वाई एक्सिस फोल्ड किया आपने तो आपने देखा कि भाई ये चार जो है ये तो सीधे सीधे इसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं ये चार, तो बात बन गई भाई कहां तो क्वाड हो रहा था, और एक बार ओवरलैपिंग किया तो ये चार और चार आठ का बन गया, ठीक। और अब अबाउट वाई एक्सिस भी चेक कर लीजिए, ऐसे आप करोगे तो ये आठ का, ये चार चार आठ का तो बन चुका है, ऐसे आप करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये बस वाई एक्सिस के अबाउट जो फोल्डिंग हुई है चार और चार आठ, ये एक और ऑक्टेट बन गया, तो ये आप ये दोनों मिलके एक ऑक्टेट बना देंगे, तो ये दोनों मिलके आपको एक ऑक्टेट बना देंगे और ये हो जाएगी आपकी टर्म नंबर थ्री, ठीक है। तो यानी कि आपके पास आंसर में तीन टर्म आएगी, एक इससे एक इससे एक इससे। अब इस पहली टर्म को आप लिखिए, कैसे लिखेंगे भाई, आप इसमें देखिए ऊपर से नीचे ट्रेवल कीजिए, जीरो ए का जो वेरिएबल है जीरो, यहां भी जीरो, यानी ए नहीं चेंज हो रहा है, हमने लिख दिया ए बार। बी का वेरिएबल जो है जीरो है यहां पे वन है, चेंज हो रहा है नहीं लिखेंगे। सी का वेरिएबल यहां जीरो है लिखेंगे सी बार, ठीक। उसके बाद अब लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कीजिए, तो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करने में आप देखिए कि ई और एफ के जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है जीरो 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 वन 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 जीरो, ये चेंज हो जा रहा है, केवल डी का वेरिएबल हमेशा जीरो 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 ही है, यानी हम इसमें लिख देंगे डी बार। ये पहली टर्म हो गई। अब दूसरी टर्म लिखिए, इसमें भी वही चीज देखिए आप, ऊपर से नीचे ट्रेवल किया हमने, ए जीरो है जीरो है तो जीरो ही रहेगा, ए बार हो गया। बी जीरो से वन हो जा रहा है नहीं लिखेंगे, सी वन से वन ही रह रहा है सी लिखेंगे। फिर लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कीजिए, ऊपर आप देखेंगे ई और एफ अपनी वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो, डी अपनी वैल्यू नहीं चेंज कर रहा हमेशा वन है, तो आप यहां पे लिखेंगे डी। ये दूसरी टर्म हो गई। अब तीसरी टर्म लिखिए, इस पे आ जाइए, इसमें भी वही देखिए, ऊपर से नीचे आपने ट्रेवल किया, ए नहीं चेंज हो रहा है, बी अपनी वैल्यू चेंज कर दे रहा है वन से जीरो हो जा रहा है, सी नहीं चेंज कर रहा है सी लिखेंगे। और लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कीजिए, ऊपर देखिए जीरो वन
या पहले डी को देख लीजिए तो 0 0 1 1 डी चेंज हो जा रहा है, ई 1 1 यहां भी 1 हमें तो ये चारों देखने हैं ना, तो ई अपनी वैल्यू नहीं चेंज कर रहा है ठीक। फिर एफ देखिए 1 0 यही चेंज हो जा रहा, नहीं तो ये 3 टर्म आ गई और यही आपका फाइनल आंसर है। क्रॉस चेक करने का तरीका जो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, भाई टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं क्वेश्चन में 6, ऑक्टेट से कितने वेरिएबल कम हो जाते हैं 3, तो पहले ऑक्टेट से 3 वेरिएबल कम हुए तो पहली टर्म में कितने वेरिएबल है 3, दूसरी टर्म भी ऑक्टेट है कितने वेरिएबल है 3, तीसरी टर्म भी ऑक्टेट है कितने वेरिएबल है 3, ये भी क्रॉस चेक हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व ए बूलियन फंक्शन ऑफ 6 वेरिएबल बाय यूजिंग ए सिंगल 8x8 के मैप, एक 8x8 के मैप से आप 6 वेरिएबल के बूलियन फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक दो चीजें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कि जैसे तो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मिन टर्म्स कैसे लिखते हैं, तो इसमें जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि इजिली आप जो है 8x8 के मैप में मिन टर्म्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं, मिन टर्म्स की एंट्री ठीक है। और एक बार आपने ये तो वेरिएबल्स का लिखना आपको आ गया, मिन टर्म्स की एंट्री आ गई, तो फिर आपको क्या करना है, पहली चीज ये मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज जो इस अगर मान लीजिए इस एक वीडियो से आपको नहीं क्लियर हो, जो मैंने 2 बार फोल्डिंग की है, यानी अपने समझने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो हमने डबल फोल्डिंग की है, डबल फोल्डिंग ठीक है, एक बार डबल फोल्डिंग जो हमने की है अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट एक्स एक्सिस, ये इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से, उसमें हम लोग बल्कि ये प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, अगर प्रॉब्लम आपको और ज्यादा जरूरत होगी कुछ एग्जांपल्स की तो आप बताइएगा, मैं 3-4 एग्जांपल 5 एग्जांपल और ज्यादा एग्जांपल्स की डाल दूंगा वीडियो मेन। ये मैं आपको दोबारा से रिपीट करूंगा ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई मेन टर्म्स की एंट्री कैसे करेंगे, आपको याद हो जाए मेन टर्म्स की एंट्री कैसे करेंगे। और ये जो सर ने फोल्डिंग वाला बताया था, एक बार वाई एक्सिस के अबाउट एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट, तो उससे ग्रुपिंग कैसे हो रही है। और तीसरी जो चीज है कि और इससे कोई ज्यादा शॉर्टकट मेथड हो सकता है 6 वेरिएबल को सॉल्व करने का बूलियन फंक्शन को, उसके बारे में बताऊंगा। हाँ, इससे भी ज्यादा आसान मेथड है 6 वेरिएबल के केमैप को, सॉरी 6 वेरिएबल के बूलियन फंक्शन को केमैप की मेथड से सॉल्व करने का। थैंक यू।